गुमला सदर थाना क्षेत्र के खोड़ा के समीप स्कूल जाने के दौरान 16 वर्षीय छात्रा एक कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा का नाम विद्या कुमारी बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर विद्यालय के शिक्षकों ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल छात्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा हादसे में शामिल कार की पहचान कर ली गई है। खोड़ा की 10वां क्लास की छात्रा है। स्कूल जाने के क्रम में रास्ते में एक कार के द्वारा उनकी दुर्घटना हो गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हम लोग उनको 4 टीचरों के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा सहयोग से हम लोग उनको हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल गुमला ले लाए हैं। वहाँ इनका इलाज हो रहा है। गाड़ी वाला लोगों का कहना है कि हम लोग बच्ची को जितना भी खर्चा लगेगा हम लोग उनका खर्चा पूरा करने। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव के पास अज्ञात बाइक सवार ने पिता और पुत्र को बुरी तरह कुचल दिया, जिसमें अस्पताल ले जाने के दौरान पिता की मौत हो गई। वहीं पुत्र गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पूजा कर घर वापस लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह में मघरा पूजा में था, पूजा कर गए थे, अपने थे, बेटा थे, पूजा करके आ रहे थे। तो डुमरामा मोड़ पर एक मोटरसाइकिल वाला ने इनको मार दिया, वहीं डेट कर गया था। मारा है, मोटरसाइकिल तो है, लड़कन सब भाग गया जैसे मारा था जैसे।